जहां भाजपा को बंगाल में लोकसभा और उपचुनाव में हार मिली, तो वही अब टीएमसी भाजपा पर रहम खाने के मूड में नहीं नजर आ रही है। टीएमसी भाजपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, टीएमसी हर जगह भाजपा पर भारी पड़ती दिख रही है। भाजपा सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को बजट पेश किया था। आज इस पर चर्चा हो रही है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद अपनी बात रख रहे हैं। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बंगाल को 100 दिन के काम और आवास योजना के लिए कब और कितना पैसा दिया। डायमंड हार्बर से टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने जहाज सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी, तो वही बजट में बंगाल के हिस्सेदारी को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे। अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी से सवाल करने के साथ ही यह दावा भी किया कि बीजेपी अगर ये साबित कर पाई कि उसने 10 पैसे भी दिए हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने हजार बार कहा है कि उन्हें एक श्वेत पत्र लाना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या उन्होंने इन तीन वित्तीय वर्षों 2021 से 22, 22 से 23 और 23 से 24 में बंगाल को 10 पैसे भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी महिलाओं का भला नहीं कर सकती है। बीजेपी और महिला सशक्तिकरण विरोधाभासी है। इसके बाद उन्होंने बीजेपी सांसद सौमित्र पर टिप्पणी कर दी। इससे बैनर्जी और सौमित्र खान के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने जिस प्रकार अपनी पत्नी को वंचित किया है, उसी प्रकार बीजेपी ने महिलाओं को अधिकारों से वंचित किया है। उनकी इस टिप्पणी से सदन में जमकर हंगामा हुआ। सौमित्र खान अपनी सीट से आगे आ गए। दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बैनर्जी ने कहा, जो इस सदन के सदस्य नहीं है हम उनका नाम नहीं ले सकते, तो बार बार सत्ता पक्ष ममता बैनर्जी का नाम क्यों ले रहा है, ये माफी मांगे। इसके बाद स्पीकर ने कहा, ये रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, आप चेयर को निर्देशित नहीं कर सकते। अभिषेक बैनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन बहुत कमजोर है, बहुत जल्द ही टूटने वाला है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि प्रभु राम आए तो न्याय आया, कुछ वक्त लगा लेकिन न्याय हुआ। संसद में आज की बहस से ये साबित हो गया कि भाजपा के सामने विपक्ष अब कमजोर स्थिति में नहीं है। अब देखना यह है कि साकार बंगाल के साथ भेदभाव के लगाए गए आरोपों का जवाब कैसे देती है, क्या बंगाल जीतने के लिए क्या कुछ नया करती है।